सफाई करें, उन्हें नहलाएं और उनका पूजन करें। दोस्तों जैसा कि मेरे पास एक पीतल के श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, आप देख रहे हैं कि वो मूर्ति की क्लैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी उनपे डस्ट जम चुकी है। अब इसकी सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीताम्बरी या नींबू या इमली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे वैदिक शास्त्र में भी नींबू पीताम्बरी से भगवान का अभिषेक करने का कोई विधान नहीं है। सो मैं आज आपको बता रही हूँ कि पीतल की मूर्ति को कैसे साफ किया जाए और कैसे उनके चमकते हुए स्वरूप में उन्हें वापस लाया जाए। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, हमें एक बाउल में शहद लेना है, ये बूरा है, चीनी को आप क्रश करके भी मिक्सी में बूरा बना सकते हो या आजकल मार्केट में आपको साधारण बूरा भी मिल जाएगा। ये हमने कर्ड लिया है दही। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये कर्ड जो है ये खट्टा होना चाहिए, जितना खट्टा हो उतना अच्छा रहेगा। और एक स्वच्छ जल का पात्र भी हम लेंगे जिसमें एक नॉर्मल वाटर होगा और एक बड़े कलश में हम पानी लेंगे बाद में जब हम ये सारी क्रियाएं कर लेंगे उसके बाद भगवान को नीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम भगवान को आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आप कर्ड से भगवान के ऊपर ये सारा कर्ड जो है ये लगा देंगे इस तरीके से। ये सारा कर्ड डालने के बाद हम इस तरीके से सभी मूर्तियों को अच्छे से रब करेंगे इस तरीके से। जी अब इस तरीके से हमने सारा कर्ड लगा दिया है। कर्ड लगाने के बाद 2 से 4 मिनट आप सारी मूर्तियों को अच्छे से कर्ड को लगा देंगे, उसके बाद हम बूरे का इस्तेमाल करेंगे। आपने बूरे को रब कर देना है। दोस्तों मेरा बताने का विशेष महत्व ये है, पीताम्बरी से हम भगवान को लगाते हैं वो एक तरीके का केमिकल है, ये हमारा वैदिक वो है जिस तरीके से हम मूर्तियों को अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। बूरे से करने के बाद हम शहद डालेंगे मूर्तियों पर इस तरीके से। अब उसके बाद हम शहद को अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम शहद को छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम स्वच्छ जल स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप गुनगुने पानी से मूर्तियों को धोएंगे, क्योंकि जब आप स्वच्छ जल स्नान करवाते हैं तो जो शहद से हमने क्लियर किया था तो उसमें चिपचिपापन आ जाएगा मूर्तियों में और वो स्टिकी लगने लगेंगी, इसलिए हम उसके बाद हल्का गुनगुना। ध्यान रहे दोस्तों पानी बहुत ज्यादा हॉट ना लगे। उसके बाद हम एक साफ टॉवल पर भगवान की मूर्ति को रखेंगे। ये देखिए आप कि कितना इनके स्वरूप में क्लीनिंग आ गई है, देखिए। और ये मूर्तियां अपने आप में ही एक क्लीन हो चुकी हैं। इनको अच्छे से टॉवल से सुखाने के बाद हम इनका विधिवत पूजन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मूर्तियों की कितनी अच्छे से सफाई हो चुकी है दोस्तों एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मंदिर में जितनी मूर्ति होती हैं भगवान की उनकी किस तरीके से क्लीनिंग करें ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो सके।
थी हमारी पौराणिक विधि से मूर्तियों को चमकाने की। आज की वीडियो में इतना ही। मैं एस्ट्रोनो, मैं आगे आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस भी लाती रहूंगी। जय माँ का।